छत नहीं है चाचा, एक मिनट बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सबीर। ये कहाँ से लेके जा रहे हैं? बस गया ना। किसका है? घर में भस गया है। अच्छा, किसी का घर भसा है, वहीं से ला रहे हैं। क्या बोले? घंटा के लिए ऐसे कैमरा दिखाते हैं लेवे ला के सरकार। उस दिन मां बोल पानी का अनाउंस करल के, वीडियो का कल के अनाउंस करे तो नाव ना कह दल के हमरे लोग का परिवार पानी में डूब रहल है। और इधर और बस्ती है क्या अंदर? कुकना बग्गा नाव पर कल 4 बजे बैठला। पहले मेरी ई लगा के देख लो, सब आदमी नाव पर बैठा है 4 बजे से भूखा पियासा डूब रहल है। कल शाम से? कल 4 बजे से कोई वहां पे कोई व्यवस्था नहीं। तो सरकार का वोट लेवे का रहेगा तो दरबार देगा कोसी में, मगर अभी पब्लिक डूब रहा तो कोई बात नहीं। जैसे पब्लिक डूबता है वैसे सरकार वोट लेवे जाएगा तो डूबेगा। लीजिए बच्चे किस प्रकार भूखे बिलख रहे हैं। सुबह से इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला है, और ना सरकार की तरफ से और ना ही कोई यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। क्या घर डूबा हुआ है पूरा? इधर घर दिखा दीजिए। वो घर जो है वो हमारे घर पीछे से पीछे है। सामान खाने पीने का कुछ निकाल पाई है? कुछ भी नहीं, वो घरे में भी है सब। बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। अभी सुपौल के किशनपुर प्रखंड के सुरतीपट्टी गांव में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इनका पूरा घर डूब चुका है। ये सामने वाला इनका घर है और सामान सभी बाहर निकाल कर यह लोग बैठे हैं। इनसे को बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? किनका घर है ये? आप ही का है ये? ऐसे घर पर उठा के यहाँ पर बनाए क्या ये? इस तरह बताइए ना, घर टाइप में बना हुआ है, किसी भी तरह रोड साइड में यह लोग अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। इनका घर जो है वह पानी में डूब गया है। कैसे पानी आया अचानक, और जब सरकार लगातार अपील कर रही थी कि आप लोग बाहर आ जाए तटबंध से, आप लोग क्यों नहीं बाहर निकले? अचानक आया, अचानक ही आया। हाँ, हाँ। पहले कभी आपके घर में पानी घुसा था? हाँ, पहले कभी आया। पहले आया था, हल्का आया था, इतना नहीं, इतना नहीं आया था। अभी घर में कितना सामान छूट गया? बहुत अभी सामान है, पानी इतना भर गला। खाना वाना कैसे खाई है? कहाँ से आया? पड़ोसी से आया। पड़ोसी वगैरह से आया? खुद का खाना नहीं बना? हाँ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ? कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं, कुछ मदद नहीं। अच्छा, घर का जानवर वगैरह होगा, गाय माल वगैरह होता है, वो कहाँ है? वो बकरा बकरिया सब उधरे रह गया, मुर्गा मुर्गी सब उधरे बह गया। और इन्हें कोई पर बाल बच्चा के लेकर धाता पर किसी भी तरह जिंदगी बचा के यहाँ? काफी नुकसान हुआ होगा? हाँ, काफी नुकसान हुआ, पूरा घर में एकदम इतना का पानी है, बहुत परेशानी हुआ। तो ये देखिए धूप है, और काफी धूप में हमें भी परेशानी है, इन लोगों को तो काफी परेशानी हो रही होगी। लेकिन सरकारी सहायता कुछ भी अभी नहीं मिल पाया है। हालांकि अभी ये सामने जो गाड़ी देख रहे हैं, ये जिला स्वास्थ्य समिति की गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। और यह तस्वीर देख लीजिए किस तरह से लोग अपने घरों का सामान बाहर निकाल कर किसी भी तरह सड़क पर रखे हुए हैं। बात करेंगे इनसे, शायद इन्हीं का घर है। किसका घर है ये? मेरा घर है, ये वाला। ये पानी आया, आप लोग को कब पता चला, किस वक्त पानी आया? पानी अनचोक में रहते पानी अनचोक में आया पानी। हाँ। तब सामान निकाला, तब पूरा घर द्वार सब भर गया। बोली रिजवानी बोली। तो फिर ये जो घर में पानी गया, तो उस वक्त से आप लोग खाना कैसे बना रही हैं? खाना कैसे खा रही? हम सब खाना खाए, भूखे हैं, हम सब भूखे हैं। भूखी कुछ अनाज बचा पाई हैं कि नहीं पाई? सब तनी मनी निकाला घोड़े में, सब भींग गया सब घर में। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी आप लोग को। बोली ने आप हैं, आपका ही घर है? मेरा ही घर है। तो कितना नुकसान हुआ है मूमन? नुकसान तो ऐसे ही बहुत हुआ है, आधा सामान निकला, आधा ऐसे ही पड़ा हुआ है घर में से। और क्या कर सकते हैं? तो जब सरकारी आदेश आ रहा था बार बार घरों को खाली कर दे, बाहर आ जाए, फिर उस समय घर क्यों नहीं खाली किया? तभी से करना शुरू कर दिया था ना, इसलिए। फिर भी इतना पानी अचानक आ गया, उम्मीद नहीं थी? उम्मीद नहीं था। पहले कभी इतना पानी आया था? नहीं, इससे पहले कभी नहीं आया। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बांध है, बांध के किनारे ही सभी पिन्नी डाल के किसी भी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से एक बार इधर दिखा दे, ये सारा ही घर डूब चुका है। अगर अंदर की तस्वीर की बात करें
तो अंदर में भी जितने गांव बस्ती हैं सैकड़ों की तादाद में घर बना हुआ है और सभी घर डूब गया है। इनकी सबसे बड़ी यही समस्या है कि इन्हें अब तक न खाने के लिए कुछ मिला है, न सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि इन तक पहुंची है और न कोई खाने पीने का इनके पास इंतज़ाम किया गया है। ओके, तो ये अंदर की तस्वीर है। इसी तरह कैंप बनाकर यह लोग किसी भी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। चाचा है हमारे साथ, ये आपका ही घर था क्या? हाँ, अरे बेटी का है। बेटी है का जी है। जी, तो कैसे अचानक पानी घुस गया? अचानक ये लोग सुपौल चले गए खर्चा पानी लाने के लिए, समझे, सब्जी सागा, बारिश हो रहा था, जा आया, खाना उना बना रहा था, बस उसी में बारिश का एक आ गया, कुछ न निकाल। देखिए खाना बन रहा है इनका, और खाना क्या बनेगा, अंडा फ्राई हो रहा है और चूड़ा वगैरह हो। हाँ, चूड़ा वगैरह दूसरे आदमी बाहर से दिया सर। हाँ, संबंधी से दिया और कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ मिला है खाने पीने? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं, कोई अभी तक नहीं कुछ लाभ नहीं। क्या बोले? कुछ नहीं देता हम लोग को, आन गांव से आकर बसे है, कुछ लोग नहीं मिलता हम लोग को लाभ। मीडिया वाले के बारे में क्या बोल? मीडिया वाले के बारे में बोलते हैं जो हर चीज ले जाता है, कहाँ हम लोग को कुछ मिलता है। नहीं नहीं, अच्छा पूछ रहे। क्या बोले? घंटा के लिए ऐसे कैमरा दिखाते हैं वाला तो सरकार उस दिन आप पानी का अलाउंस करल के वीडियो का कल के अलाउंस करे तो नाव ना कह दल के हमरे लोग का परिवार पानी में डूब रहा है। हां, इधर और बस्ती है क्या अंदर? फुकना बग्गा नाव पर कल 4 बजे बैठला, पहले मेरी ई लगा कर देख लो, सब आदमी नाव पर बैठा है 4 बजे से भूखा पियासा डूब रहा कल शाम से, कल 4 बजे से कोई वहां पे कोई व्यवस्था नहीं। तो सरकार का वोट लेबे का रहेगा तो दरबर देगा कोसी में, मगर अभी पब्लिक डूब रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे पब्लिक डूबता है वैसे सरकार वोट लेबे जाएगा तो डूबेगा उस टाइम में। देखिए लोगों में आक्रोश है, आक्रोश कुछ मीडिया के प्रति भी है, लेकिन हमारा काम है यह जो वीडियो है लोगों तक दिखाना, सरकार तक पहुंचाना। लेकिन सरकार अगर कदम न उठाए, सरकार अगर कार्रवाई न करे, लोगों की मदद न करे, इसमें हमारा कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन हम लगातार संघर्ष करते हैं, लोगों की ज़मीनी हकीकत हम दिखाने का काम करते हैं। आप इधर देख लीजिए, कई लोगों का सामान यूं ही पड़ा हुआ है, और उधर भी देख लीजिए ना कोई पन्नी की व्यवस्था की गई है। कल शाम से ही पास के गांव में पूरा एरिया पानी में लीन हो चुका है, पूरा पानी में गांव डूब चुका है, वहां के लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन वहां पर जो सरकारी सुविधा है, लोग को एनडीआरएफ की टीम है बचाने तक नहीं पहुंची है, और या इस घर से जो जितना सामान निकल सकता था यह लोग चौकी कुछ बर्तन का सामान निकाल कर बाहर रखे हैं, लेकिन ऊपर में छत नहीं है। चाचा एक मिनट बात करेंगे, क्या नाम हुआ? मोहम्मद सब्बीर। ये कहाँ से लेके जा रहे हैं? बस गया ने। किसका है? घर में भस गया। अच्छा, किसी का घर भसा है वहीं से ला रहे हैं। हाँ। क्या कीजिएगा इसका? जरना जलावन बना के खाइएगा। अच्छा ये बताइए चाचा, आपका भी आपके घर में भी पानी गया है? पानी है ना, तो बहुत पानी है, बहुत पानी है आपके। हाँ। घर में क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सब्बीर। सब्बीर जी, तो कोई सरकारी सहायता, कुछ सरकार की तरफ से मदद आया? कुछ नहीं आया, कुछ भी मदद नहीं आया, कुछ नहीं। स्टीमर वगैरह कुछ चल पा रहा है? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं चल पा रहा। ना, ना। अच्छा अंदर और बस्ती है क्या? और बस्ती है। तो उधर के लोग निकल पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं निकल रहा है, अभी तक कोई नहीं निकल। दिग्या दुबियाई बिरगा जाए, घूरन सबसे बुरा हाल था घूरन का। घूरन में लोग बाहर नहीं आ पा रहे? नहीं बाहर नहीं आ रहे। अच्छा, जो भाव भी पड़ता है अंदर? हाँ, जो भाव है तो वहाँ के लोग भी बाहर नहीं आए? सरकारी प्रशासन की कोई गाड़ी पूछताछ के लिए, बात करने के लिए? ना, अभी ना आया, कोई नहीं आया। तो यह तस्वीर देख लीजिए और यह हालत देख लीजिए किस तरह से है, यह चौकी देख लीजिए, सामान देख लीजिए, यूं ही इस बांध पर पड़ा हुआ है। और कई लोगों से हमने बात की, समस्या वही है कि सभी घरों से अचानक जब उनके घरों में पानी जाने लगा तो अचानक घरों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी लेकर बाहर नहीं निकल पाते, ना खाने का सामान होता है, ना बनाने का कोई सामान होता है। कुछ महिलाएँ हैं जिनका घर यहाँ पर है, शायद उनसे बात करेंगे। बच्चे को देख लीजिए, बच्चे किस प्रकार भूखे बिलक रहे हैं, सुबह से इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला है, और ना सरकार की तरफ से और ना ही कोई यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। क्या नाम हुआ आपका?
बीबी माजमन। ये आपका घर किधर था? इधर है। यही है? हाँ। आपका घर भी डूब गया? हाँ। तो सुबह से किस प्रकार रह रही हैं? खाना पीना नाश्ता वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे? ऐसे ही भूखे हैं। इससे पूछे ना। क्या नाम हुआ आपका? सविदा परवीन। क्या? सविदा खातून। सविदा खातून जी, ये बताए कि बाढ़ आया, बाढ़ का पानी आया, आपके घरों में भी आया क्या? वो घर डूबा हुआ है पूरा। एक बार इधर घर दिखा दीजिए। वो घर जो है वो हमारे घर पीछे जो पीछे है। अच्छा, ये घर आपका ही है? हाँ जी। सामान खाने पीने का कुछ निकाल पाई है? कुछ भी नहीं, वो घर में भी है। 70 रुपये घर में ही है। बच्चे को कुछ सुबह से खाना पीना खिला पाई है कि नहीं? खिलाए है, अपना पैसा के रहे थे 1-2 टका खिलाए है बच्चा के, थोड़ा बहुत दुकान से खरीद। अच्छा, जो पैसा निकाल पाई है बिस्किट वगैरह खरीद के खिलाई है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली? नहीं, कुछ नहीं आई। अच्छा, कोई ऐसे नेता जो आस पड़ोस के नेता हो वो आप लोग को कुछ आके दिए हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे कितनी आबादी? ज़्यादातर मुझे मुसलमानों की लग रही है। कितनी आबादी? बस्ती है मुसलमानों की? बहुत बस्ती है, इतना मुझे यहाँ सब मुसलमानों की बस्ती है। मुसलमानों की बस्ती है, मुसलमान की हालत बहुत बेकार है। कुछ मुसलमान के नेता वगैरह कुछ आए हैं मदद देने, मदद पहुँचाने? कुछ नहीं, कुछ नहीं आए। सभी यूँ ही परेशान आप लोग? तो यही अमूमन यहाँ का हाल है। इसका घर वो है। अच्छा, इनसे भी बात करेंगे, कहीं मोबाइल पे बात कर रही थी। कहाँ आपका घर भी डूब गया क्या? बांध के तांग घर डूब गया है। डूब गया है, कब पानी पहुँचा आपके घर में? कल ही पानी आया है। कहाँ घर, कहाँ से आए? बगहा से आए हैं। बगहा से? हाँ, कट बस करके वहाँ से चले आए। वहाँ पूरा डूब गया है? कट बस गया पूरा जमीन। कितना गाँव था वहाँ? बहुत बड़ा बस्ती था। कितना बस्ती में लोग होंगे? 100% लोग है। 100 लोग 100 लोग 100-150 लोग होंगे। सभी मुसलमान? सभी मुसलमान में लोग है। अच्छा, तो यहाँ पे कई मुसलमान के नेता भी हैं, कुछ मदद के लिए लेके आए? कुछ नहीं लेके आए हैं। कुछ नहीं? कुछ नहीं, कल ही से पानी है। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ सुविधा पहुँची है? कुछ नहीं पहुँचा है। नहीं, कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर शमशाद है। अच्छा शमशाद जी, ये बताए कि ये जो सूरती पट्टी है, यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान की आबादी है और बहुत परेशान है लोग यहाँ पर, और परेशानी की सबब ये है कि ना सुबह से इन्हें खाने को मिला है, बच्चे भूखे परेशान हैं, महिलाएं भूखी परेशान हैं, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना सर पे छत है, पन्नी डालने के लिए एक नॉर्मल व्यवस्था होता है सरकार की तरफ से मुहैया करा, ये सब कुछ भी नहीं मिला है इन्हें और कल से ही परेशान है। कोई प्रतिनिधि आए हैं, कोई नेता आए हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आए, कुछ भी मदद मिला है क्या इन्हें? मेरा कहना यह है कि अभी जो बात कर रहे थे महिलाओं से, ये बग्घा कोसी तटबंध के भीतर के रहने वाली है और ये किशनपुर प्रखंड अंतर्गत जो है लोग आता है और बांध पे आकर के 2-3 साल पहले शरण लिया है लोग, क्योंकि घर इन लोगों का कट गया, सारा जगह जमीन जो कट गया, ये लोग एकदम से बेघर हो गए, तो कोसी तटबंध पे आके ये लोग शरण लिए और आज तक ऐसा ही है। फिर यहाँ जो झोपड़ी बना के रह रहे थे उसमें भी अभी जो बाढ़ आया, भीषण बाढ़, उसमें इन लोगों के घर में पानी चला गया, ये लोग परेशान हाल है, ये लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और अभी तक कहीं कोई व्यवस्था चाहे कहीं से भी हो वो नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि बच्चे रास्ते भूखे बिलख रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास कहीं कोई साधन नहीं है, खाना कहाँ से बनाएगा? ये जो देख रहे हैं ये झोपड़ी, ये हम ही बनवाए थे, इसी में जो जहाँ होता है, अभी धूप है तो शरण लिया, लेकिन ऐसा कुछ थोड़े है कि 100-200-500 जे, और यहाँ कम से कम बग्घा खोखना ही सबसे जो है लगभग 300-350 जो है ये घर आकर के यहाँ बसा है और पुनर्वास नहीं है इन लोगों को। सबसे बड़ा समस्या है कि सुरती पट्टी को पुनर्वास नहीं है। यदि सुरती पट्टी को पुनर्वास मिलता तो आज ये लोग जो बेघर हैं कोसी तटबंध के ऊपर जो आकर के शरण लिए हुए खुले आसमान के नीचे, अगर पुनर्वास रहता तो ये लोग पुनर्वास में शरण लेते, न कि आज ये दिन देखना पड़ता। तो सरकार का कहीं से भी कोई ठोस कदम नहीं है और आपके सामने तो लोग बोल ही रहे हैं कि यहाँ का हालात क्या है, पोजीशन क्या है। यहाँ लगभग हज़ार के लगभग मुस्लिम की आबादी है सुरती पट्टी में, लेकिन लोगों का बहुत ख़राब खासा हाल है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इन लोगों को कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्था हो, और अभी तक कहीं कोई नेता लीडर किसी भी दल का कहीं से कोई नहीं आया है जिससे लोगों को जो है कुछ लाभ मिलता।
और सरकार का भी वही रवैया है। सरकार को, प्रशासन को, जिला पदाधिकारी महोदय को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, अंचलाधिकारी को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, चाहे वो किशनपुर प्रखंड हो, सुपौल प्रखंड हो, चाहे जहाँ भी हो, लेकिन सहायता मिलना चाहिए। अभी तक कहीं कोई सहायता नहीं मिला है, जैसा कि महिलाओं ने आपको बताया। अभी कोई सहायता नहीं मिला है, लेकिन अभी जो तस्वीर है वह कोसी की प्रलय बयान करती है। लगातार कोसी का विनाशक रूप देखने को मिलता है और यह कोसी नदी हमेशा प्रलय लाती है, विनाश की नदी भी कहलाती है। यह देखिए, सारा घर डूब गया है, अंदर की बस्तियां डूब गई है और ये महिलाएं, बच्चे बाहर में भूखे बिलख रहे हैं। अब इन्हें आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। आप भी इनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पर आ सकते हैं कुछ खाने की सामग्री लेकर, आप ज़रूर आए। यह सुपौल जिला है और किशनपुर प्रखंड है, सुरती पट्टी गांव है। बांध किनारे आपको यहां पर बस्ती दिखेगी, सुरती पट्टी, और उसी के किनारे आपको लोगों का यह कैंप दिख जाएगा। सुपौल सदर प्रखंड है, सुपौल प्रखंड में ही यह बस्ती पड़ता है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं।